डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 80 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 3/60। देखो आराम से समझ में आएगा, ये वाली वैल्यू हमें पता है तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं। और एक इसको साइड में लिख लिया, यहाँ पे कितना आ गया cos 20 और cos 40। आप 80 और इसको भी ले सकते थे। cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, और इसमें तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला 2 cos A cos B, cos A - B प्लस cos A + B। फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ गया अंदर, इसकी जगह कितना आ गया cos A + B, A - B, cos A - B मतलब cos 20, क्योंकि 40 में से माइनस करेंगे, प्लस cos A + B अपॉन टू। क्यों आया, क्योंकि फॉर्मूले में 2 था, वहां नहीं था। cos 80, 2 को अंदर इंटू कर दो, √3/4, और फिर मल्टीप्लाई कर दो, cos 20 cos 80, तो अब हम इसमें दोबारा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos A cos B वाला। तो कितना हो जाएगा ये cos A - cos 60 प्लस cos A + B, cos 100/2 प्लस, यहाँ पे भी लगा सकते थे लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो वही सिचुएशन आ रही है, तुम देख रहे हो ना, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंडर रूट 3/8 आ गया। अंदर कितना बच गया, cos 60, cos 100, cos 80। अब क्या करेंगे, cos 60 की वैल्यू हमें पता ही है, cos 100 को 90 + 20 लिख लेंगे। cos 90 + थीटा होता है -sin θ, तो ये आ जाएगा माइनस में sin 10 डिग्री। इसको 90 - 10 डिग्री लिख लेंगे, cos 90 - θ sin θ, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है।